क्वेश्चन थर्ड, ट्रेंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रेंगल। ये ट्रेंगल ए बी सी जो है आइसोसेलेस ट्रेंगल है, मतलब दो साइड सेम है, ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ, बी ई जो एल्टीट्यूड है ए सी पर बना है और सी एफ एल्टीट्यूड है वो ए बी पर बना है। शो डैट, हमने शो करना कि ये एल्टीट्यूड इक्वल है। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रेंगल थे टू साइड सेम होगी, ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमारे पास आ गया गिवन। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है कि इनके एल्टीट्यूड भी इक्वल है, ठीक है। सी एफ इक्वल टू बी ई, सी एफ इक्वल टू बी ई, ये एल्टीट्यूड इक्वल है। अब हमें प्रूफ, ठीक है, ये ट्रेंगल इन ट्रेंगल ए बी ई, इन ट्रेंगल ए बी ई एंड सी ए एफ, इन ट्रेंगल ए सी एफ, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, ठीक है। इनमें सबसे पहले ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन है, ठीक है, ये वाली हमें गिवन है। सेकंड, एंगल एफ और एंगल ई 90 डिग्री है, एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ 90 डिग्री का है। थर्ड, एंगल ए दोनों में कॉमन है, एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, तो उसको क्या लग जाएगा, दो एंगल एक साइड है भाई, एंगल साइड एंगल से प्रूव हो जाएगा ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ए सी एफ के, और बाय सी पी सी टी एंड बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी प्रूव हो जाएगा बी ई इक्वल टू सी एफ के, ये हमारा आंसर आ गया।